ये क्या है? प्रेशर स्विच है। और प्रेशर स्विच का कैलिब्रेशन करेंगे तो इसे प्रेशर कैलिब्रेटर से, उसके लिए क्या है ना, प्रेशर स्विच का इनपुट क्या है, प्रेशर है ना, इनपुट प्रेशर देंगे। अब प्रेशर किससे देंगे? प्रेशर कैलिब्रेटर से। अब सवाल आता है कि प्रेशर स्विच कितना तरह का होता है? प्रेशर दो तरह का होता है। दो तरह का होता है, ठीक है ना? कौन कौन सा? हाँ, ऐसे बोलेंगे पी एस एच और पी एस एल, प्रेशर स्विच हाई और प्रेशर स्विच लो, ठीक है। प्रेशर स्विच के बारे में अगर बात हो कि ठीक है, तो लोग के सवाल कर दे कि प्रेशर स्विच को जब आप कैलिब्रेशन किए हो प्रेशर स्विच हाई को, तो राइजिंग में चेक किए हो या फॉलिंग में, तो क्या बोलेंगे? राइजिंग, क्योंकि हाई क्या है, प्रेशर हाई क्या होगा, जब राइजिंग का मतलब बढ़ते क्रम में और फॉलिंग का मतलब घटते क्रम में, तो कोई जब बढ़ते क्रम का हाई कब होगा, जब कोई चीज बढ़ेगा तभी ना हाई होगा, तो प्रेशर स्विच हाई राइजिंग में टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, और प्रेशर स्विच लो को फॉलिंग में चेक करेंगे, ठीक है। प्रेशर स्विच में तीन टर्मिनल होगा, एक कॉमन, एक एन सी, एक एन ओ, ठीक है। कॉमन और एन सी क्या होगा? इंटरनल शॉर्ट होगा। कॉमन एन सी इंटरनल शॉर्ट होगा। जब हम लोग मल्टीमीटर यूज करेंगे तो इसको कहाँ डालेंगे? कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है ना। तो ये क्या है? शॉर्ट है, ओपन है, शॉर्ट है, ओपन है। अभी यहाँ और यहाँ लगाएंगे तो क्या बताएगा? बीप देगा। बीप देगा तो हम क्या समझेंगे कि कॉमन और एन सी है। यहाँ लगाओगे तो कुछ नहीं बताएगा, यहाँ भी लगाओगे तो कुछ नहीं बताएगा। जैसे बीप देगा तो हम लोग समझ जाएंगे कॉमन और एन सी है। इसमें क्या है? तीन टर्मिनल, ठीक है ना। इसमें से तीन टर्मिनल, एक दो तीन। अब ये इसमें एक कॉमन होगा, एक एन सी होगा और एक एनो, ठीक है ना। अभी यहाँ और यहाँ लगाएं, कुछ बताया नहीं रहा। यहाँ और यहाँ लगाएं, कुछ बताया नहीं सर। यहाँ बता रहा, यानी ये दोनों में एक कॉमन है और एक एनसी है, तो तीसरा का हो एनो। अभी हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? एनो को ढूंढ। अब ये दोनों में से ढूंढना है कि कौन कॉमन है और कौन एनसी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीमीटर कॉमन और एनसी में लगाएंगे और यहाँ से प्रेशर देंगे। कॉन्टेक्ट छूट गया, छूट गया ना। अब किसके साथ कनेक्ट हो गया? एनओ के साथ। फिर प्रेशर रिलीज कर देंगे, इससे छूट गया और अब किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? इसके साथ। तो ये दोनों के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये कौन होगा? ये कॉमन है ना, बोलते हैं ना कॉमन आदमी दोनों के साथ बात करता yes, है। तो ये दोनों के साथ इससे भी टच कर रहा है और इससे भी टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉमन। तो फैसला क्या होगा? एनसी। प्रेशर स्विच से प्रेशर को हम लोग मेजरमेंट नहीं करते हैं, प्रेशर स्विच से प्रेशर का मेजरमेंट नहीं होता। प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए प्रेशर ट्रांसमीटर है, प्रेशर गेज है, उससे आप लोग प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी कितना प्रेशर वो बताएगा। लेकिन प्रेशर स्विच क्या है? वो सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, टैंक या वेसल या एनीवेयर, ठीक है ना। तो जहां पर मान लो उसका जो सेट पॉइंट रखते हैं, प्रेशर स्विच में क्या रखते हैं? सेट पॉइंट। अगर उसके सेट पॉइंट तक प्रेशर जाता है तो मेरा स्विच ओपन हो जाता है, और ओपन हो जाता है तो उससे रिलेटेड कोई मोटर है, मोटर को ट्रिप कर देता है, मोटर को बंद कर देता है, ठीक है। स्विच का सेट पॉइंट हम लोग रखते हैं 4.5 bar, है ना। रीसेट पॉइंट हम लोग रखते हैं 2.5 bar। बार क्या है? प्रेशर का यूनिट है। बार क्या है? प्रेशर का यूनिट।
सब लीले सब साफ है। ये प्रेशर स्विच है और ये चलो ये क्या है प्रेशर स्विच। तो प्रेशर स्विच का जब कैलिब्रेशन हम लोग करेंगे उसके लिए क्या है प्रेशर देके करेंगे, और जब प्रेशर किससे देंगे प्रेशर कैलिब्रेटर से देंगे। तो ये क्या है प्रेशर कैलिब्रेटर है ना, ड्रग कंपनी का है, ये मॉडल नंबर है DPI इतना है ना 603 प्रेशर कैलिब्रेटर। ठीक है सर, अब हम लोग को सेट पॉइंट कितना में रखे हैं 4.5 बार। ठीक है ना, ये प्रेशर स्विच है, ये एडजस्टमेंट स्क्रू है ना। अभी ये कहाँ पर है कितना में है हम लोग को नहीं पता, लेकिन टारगेट कितना दिया है 4.5 बार। तो 4.5 बार में हम लोग चेक करेंगे, अभी कितना में है ये पहले पता करेंगे। ठीक है ना, तो उसके निकालेंगे मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को किस में डालोगे कंटिन्यूटी में, अभी शॉर्ट बता रहा है ना ओपन। तो सबसे पहले क्या प्रेशर स्विच हाई का जब भी करेंगे तो कॉमन और NC में पकड़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे। अभी कितना में हो गया ओपन 2.6 में। ठीक है ना, अभी एक्यूरेट हम लोग को पता नहीं चला, फिर से हम लोग देखते हैं। तो इससे देर है ना, तो बहुत तेजी से जा रहा है ना समझे, ऐसे देंगे तो पॉइंट कर जाएगा, तो हम लोग को एक्यूरेट पता चल जाएगा कितना में ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अभी कितना में ओपन होगा 2.40 में ओपन हुआ है, लेकिन होना चाहिए कितना है 4.5 में। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे बढ़ाएंगे, ये क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक, इधर घुमाएंगे तो क्या होगा ऐसे ताला जब घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं तो खोल देते हैं, ऐसे लॉक करते हैं, ये वाला क्या हो गया खुल गया और ये वाला बंद हो गया है ना। तो ये इधर घुमाएंगे तो क्लॉक वाइज, इधर घुमाएंगे तो एंटी क्लॉक, अभी हम लोग कहाँ घुमाएंगे एंटी क्लॉक में एडजस्ट करने जाएंगे। ठीक है, खुल गया कितना हाँ